नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी, मैं हूं वंशिका वशिष्ठ। आज का छठा मैच न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा था, जो कि हैदराबाद के स्टेडियम में खेला गया। वहीं ये दोनों टीमों के बीच 27 साल बाद कोई वर्ल्ड का मुकाबला हुआ है, और वही आखिरी बार दोनों टीमें न्यूजीलैंड और नीदरलैंड 1997 में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी, जो कि वडोदरा में आमने सामने हुई थी। सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का एक मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीत चुकी है, और वही आज के मैच में भी न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड से हुआ, जो कि एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ हार चुकी है। वही आज का ये मुकाबला नीदरलैंड के लिए बहुत अहम रहने वाला है, जिसमें नीदरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और इसके बाद ही क्रीज पर उतरी न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआती 18 गेंद में एक भी रन बनाने नहीं दिए गए। इसके बाद मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 63 रन बनाए। कॉनवे और यंग ने आए और दोनों ने 73 बॉलों में 50 रन की पार्टनरशिप की। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 323 रन का टारगेट भी दिया। पावर प्ले में नीदरलैंड की शुरुआत धीमी रही। बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम पहले 10 ओवर में केवल 35 रन ही बना सकी। पावर प्ले में नीदरलैंड ने ओपनर विक्रमजीत सिंह ने 12 रन पर ही विकेट गवा दिया। इसके बाद जवाब में नीदरलैंड ने 28 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। इससे पहले मैक्स ओल्डालुड ने 16 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें मिशेल सेंट ने LBW कर दिया। तेज निदमनूर ने 31 रन के स्कोर पर रन आउट हुए। इसके पहले डिलेड 17 रन बनाकर टेंट बोल्ट के साथ आउट हो गए। वहीं एकरमैन ने 69 रनों की शानदार पारी खेली, और इसके साथ ही आज इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आज की रही वो है सेंट ने, जिन्होंने 5 विकेट लेकर पूरी नीदरलैंड टीम को चौंका दिया। बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले गेंदबाजी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसके बाद बल्लेबाजी में गेंदों पर 36 रन बनाकर उन्होंने पूरे मैच को बदल डाला, जिसमें न्यूजीलैंड ने दूसरी जीत इस वर्ल्ड कप मुकाबले में हासिल की, और वही नीदरलैंड को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अब क्या लगता है कि ये टीम वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।